दिल्ली के शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के थाना आनंद विहार इलाके में लोहा चोरी करने के लिए अपने दोस्त के साथ पार्क प्लाजा होटल के पास सीबीडी ग्राउंड में गए युवक पर गार्ड ने गोली चला दी। गोली लगने से युवक की मौत हो गई। पुलिस ने गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। आनंद विहार पुलिस को मृतक के दोस्त ने बताया कि वो अपने दोस्त के साथ सीबीडी ग्राउंड, जहां आरआरटीएस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वहां लोहा और टीन काट रहे थे। उसी दौरान वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड ने गोली चला दी। दरअसल आनंद विहार पुलिस को रविवार रात 10 बजे मृतक युवक की मां ने हेड गेवार हॉस्पिटल से फोन कर बेटे की मौत की सूचना दी थी। मौके पर पहुंची पुलिस को युवक के साथ मौजूद उसके दोस्त ने बताया कि जब वे लोहा काट रहे थे, उसी दौरान वहां गार्ड आ गया है, उसने उसके दोस्त पर गोली चला दी। मृतक युवक परिवार के साथ न्यू संजय अमर कॉलोनी में रहता था। उसके परिवार में माता पिता, एक शादीशुदा बहन और मानसिक रूप से बीमार एक छोटी बहन है। वो घर में दो बहनों का इकलौता भाई था। उसका दोस्त भी इसी इलाके का रहने वाला है। रोटी बना कर रख ले मेरे लिए, मैं दाल ले आऊंगा। फिर उसके बाद नहीं आया। फिर हमारे पास 9:15 बजे खबर आई है कि तुम्हारे लड़के को मार दिया किसी ने। नहीं, क्यों मार दिया? कुछ किसी से दुश्मनी थी क्या? किसी से दुश्मनी नहीं थी। वो पता नहीं लेके गए उसे, 4-5 लड़कों का नाम आ रहा है, 2 गार्डों का नाम आ रहा है। चोट उसके यहाँ पूरा ये फाड़ कर रख दिया था, यहाँ मारा था उसके फिंगर। तो क्या काम करता था आपका बेटा? कुछ नहीं करता था सर, 3 साल से बैठा पड़ा था वो। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई सर जी, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मैं क्या करूँगी अब। तो किस पे शक, किस पे आपको? अब पता नहीं है सर, किस पे शक करें। हम 5 लड़के थे, अब तो पुलिस वाले ही पकड़ेंगे जब ही पता लगेगा, 2 गार्ड हैं। युवक की मां ने बताया कि घटना के समय उसके साथ उसका दोस्त था। पुलिस से उन्हें कोई सूचना नहीं मिली कि किसने और क्यों उसके बेटे की हत्या की। बेटे के दोस्त से भी उनकी कोई बात नहीं हुई। हालांकि मां का दावा है कि उसके बेटे का जबड़ा पूरी तरह फटा पड़ा था। लग रहा था कि किसी ने लोहे की रोड से उस पर हमला किया। सीने पर भी किसी धारदार हथियार से वार करने का निशान था।